जब इतनी बातें तौबा के ताल्लुक से आज के पारे में गुजरी हैं, तो कुछ चीजें कि कौन सी तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, उसके ताल्लुक से बात कर कर बात आगे लेकर जाते हैं। अहले इल्म हजरात ने चार बातें जिक्र की हैं। अहले इल्म हजरात ने चार बातों को पेश किया है। सबसे पहली चीज अहले इल्म हजरात पेश करते हैं, अल इखलास, आदमी तौबा में मुखलिस हो, दिखाने के लिए तौबा ना हो। अन नदामा, शर्मिंदगी हो, शर्मिंदा हो। बहुत बड़ी नेमत है ये शर्मिंदगी, समझ रहे हैं आप, शर्मिंदगी। यहां तक अल्लाह के नबी ने कहा तौबा शर्मिंदगी ही है जी, असल असल शर्मिंदगी हो, मैंने जो किया हो उस पर आदमी को नदामत हो, आदमी को शर्मिंदगी हो। तीसरा जो कहते हैं यकला अन जम अल अज़्म अल्लाह यऊद फिल मुस्तकबिल, फौरन गुना छोड़ दें और इस बात का आजम हो कि मुस्तकबिल में यह गुना नहीं करेंगे। और आखिरी बात कहते हैं अंतकून फी ज़मन तौबा, अंतकून फी ज़मन तौबा, तौबा जमाना जो है अल्लाह ने एक मौका दिया है। इनफरादी तौर पर हर इंसान को एक वक्त है और इज्तिमाही तौर पर सबके लिए एक वक्त अल्लाह पाक ने दिया है। आदमी अगर गरगरे में आ जाए, मौत को सामने देख ले, फिर तौबा करे, तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। उसकी तौबा मालम युगरगिर, मालम युगरगिर हदीस का लफ्ज है। और दूसरा, सूरज जिस वक्त मशरक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, अल्लाह के नबी ने कहा तौबा का दरवाजा उस दिन बंद कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, इसके अंदर तौबा हो। यह महीना भी तौबा का है, माह मुबारक है, रमजान का महीना है। अल्लाह सुबहानहू तआला से हम दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए।